हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू उ है डूम सेंटर डुम जन एपिसोड एपिसोड की शटिंग देखते हैं शेन की और उस घोल के बीच में एक फैट चल रही है जिसमें शेन घोल को काफी चिटक्री दे रहा है लेकिन घोल की पावर लगातार बढ़ती जा रही है घोल बहुत तेज स्पीड से भागी बढ़कर शेन के ऊपर अटैक कर देता है शेन जल्दी से अपनी तलवार से उस घोल के ऊपर एक सेड स्किल कर यूज करता है शेन की ऐसा करते ही उसकी तलवार के अंदर से एक स्लैशर निकलती है जो सीधे जाकर उस घोल की टकराती है उस घोल की और उस लैशों की पावर लगभग बराबर सी होती है गोल लगभग उस लैसों को रोक ही देता है लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट से उसकी पावर कम घमरे जाती है गोल उछल के थोड़ा दूर ले जाता है उसके हाथ पर थोड़ी चोट लग जाती है वो घोल शिन से कहता है तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा है तुम एक घोल नहीं हो इसके बावजूद भी मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ तुम मेरे सब ऑर्डिनेट बन जाओ हम दोनों साथ में काम करेंगे शेन कहता है तुम मेरी सैलरी नहीं दे पाओगे गोल कहता है तब तो तुम्हें मानना ही होगा तुम्हें मारने के लिए मैं अपनी अगली पावर यूज करने वाला हूँ घोल कहने के साथ ही अपनी क्यों स्किल यूज करता है उसकी पूरी बॉडी के अंदर से अजीब सी डाटा एनर्जी बाहर निकलने लगती है इस एनर्जी से एक ही झटके में उस घोल के कटे हुए सारे के सारे हाथ वापस से रिकवर हो जाते हैं तभी गोडे दृष्टि से यहाँ भी पहुंच जाती है वो चिल्ला के शन से कहती है शेन बस तुम्हें एक मिनट तक रुक के रखना है मार्शल सेंट वहां से निकल चुके हैं वो एक मिनट के अंदर यहाँ पे पहुंच जाएंगे उसके बाद में वो इसे बड़ी सेंट से हरा देंगे उनकी पावर बहुत ज़्यादा है ये सुनकर वो घोल डर जाता है शिन कहता है कोई दिक्कत नहीं है इतनी देर तो मैं इसको रोक ही लूंगा वो घोल सोचने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये यहाँ पर कृषि मार्शल सेंट को बुला रहे हैं उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा हो सकती है मेरी पावर अभी लगातार इंक्रीज़ हो रही है लेकिन अभी तक भी मैं इतना ताकतवर नहीं बना हूँ किसी हायर लेवल के मार्शल सेंट से फाइट कर पाऊँ इसलिए अभी के लिए मेरे लिए अच्छा होगा मैं यहाँ से भाग जाऊँ और अपनी बॉडी को ज्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाऊँ घोल ही सोच रहा होता है तभी शेर अपनी तलवार से उस घोल को प्रोटेक्ट कर देता है घोल शेन तो देखता है और उसे कहता है ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम मुझे हरा सकते हो मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है मैं तुमसे डर गया हूँ तभी शेन का अटैक उस घोल के पड़ता है घोल बड़ी सहनी से शेन के उस अटैक को डॉट करता है और फिर उछल के वहाँ से भागने लगता है शेन उस घोल को भागते हुए दिखता है लेकिन उसे पीछा नहीं करता शेन की पूरी बॉडी बहुत बुरी तरह से कांपने लगती है शिन काफी ज्यादा थक चुका है शिन कहता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ मेरी बॉडी की पूरी एनर्जी खत्म हो गई है अगर ये गोल कुछ देर और यहाँ पर टिक जाता तो ये फाइट बहुत ज्यादा तो बुरी हो सकती थी फिर शेन गोडेस ऑफ डिस्ट्रीस से पूछता है मार्शल सेंट को अभी तक यहाँ पर आने में कितना टाइम लगेगा गोडेस ऑफ जस्टिस कहती है अभी तो वो काफी दूर है लगभग दस मिनट लगेंगे उनको यहाँ पर पहुंचने में शिन कहता है क्या दस मिनट अभी तो आपने कहा था एक मिनट पहुंच जाएंगे गोडेस ऑफ जस्टिस कहती है ये मेरी एक नई स्ट्रेटेजी थी ये सुनकर शेन रोने लगता है गोडेस ऑफ जस्टिस शेन से पूछती है शेन क्या हुआ तुम इससे रोने क्यों लगे क्या तुम्हारी बॉडी के ऊपर कुछ ज्यादा चोटें लगी है शेन कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मुझे आज एहसास हो रहा है कि आप मेरी कितनी परवाह करती हैं आपने मुझे बचाने के लिए उस गोल से झूठ बोला अब क्योंकि गोडेस ऑफ जस्टिस एक मशीन है इसलिए शेन जिस फीलिंग के साथ में ये बात कह रहा होता है गॉडेस ऑफ जस्टिस को यह बिल्कुल समझ नहीं आती गॉडेस ऑफ जस्टिस शेन से पूछती है क्या ये कोई कॉम्प्लीमेंट है तुम मेरी तारीफ कर रहे हो शेन कहता है चलो छोड़ी जान दीजिए इस बात को अभी के लिए हमें सारी सिचुएशन को फोकस करना चाहिए सबसे पहला काम उस मार्शल सेंटर करिए जो कि यहाँ पर आ रहा है वो जल्दी जल्दी यहाँ पर पहुँचे क्योंकि घोल तो ऐसे चला गया है लेकिन प्रॉब्लम अभी तक ख़त्म नहीं हुई है दूसरी बात एक मेडिकल टीम को बुलाइए ये तीनों मार्शल सोल्जर्स काफ़ी बुरी तरह से घायल है हमें इन्हें बचाने की कोशिश करनी होगी गोडेस ऑफ जस्टिस कहती है ठीक है समझ गई और कुछ शिन कहता है और एक और काम उस घोल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमें पता चली है वो सारी सारी मुझे देखनी है अभी जो फाइट हुई थी उसका डेटा भी आपने कलेक्ट किया होगा वो भी मुझे दिखाइएगा इस सारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और फिर ये जानने की कोशिश कीजिए इस घोल की कमजोरी क्या है इसके बाद में हम अगले सीन में शेन और गोडेस ऑफ जस्टिस को एक लैब जिस जगह के अंदर देखते हैं कोडेसो डिस्टिस सबसे पहले उस एलाइट लेवल के जोम्बी के ऊपर सारी एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में शेन को बताती है वो शेन से कहती है ये इलाइट जोम्बी कफ जगह ताकतवर है इसकी बॉडी मजबूत है इसकी अटैक पावर भी बाकी जोम्बी से अच्छी है शेन कहता है ये तो मुझे पहले से पता है मैंने उससे फाइट की थी ये सब तो मुझे तभी तो पता पड़ गया था आपने जांच क्या किया अभी के टाइम पर हमारी टेक्नोलॉजी कफ तो कमजोर है हमें पता ही नहीं लग रहा है इन मोस्टर्स की ओरिजिनल पावर क्या है हमें इन सब के अंदर इंक्रीमेंट लाना होगा गोडेसो जस्टिस कहती है किस तरह से हम इसके अंदर इंक्रीमेंट ला सकते हैं प्लीज़ कुछ बताइए हमें क्या क्या चेंज करना चाहिए शेन कहता है सब कुछ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे अटैक डिफेंस सब कुछ बदलना होगा वैसे क्या आपने उस वीडियो को एनालाइज किया जिसके अंदर मेरी फाइट उस गोल के साथ में हो रही थी जस्टिस कहती है हाँ कर लिया है लगभग एक लाख से ज़्यादा बार हमने उसे एनालाइज किया है शेन कहता है ये तो काफ़ी अच्छा है तो अब मुझे बताइए उस फाइट के अंदर कितने टाइम ऐसा हुआ था कि मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल भी सही नहीं थी घोड़ेसर डस्टिस कहती है नहीं हर बार आप बिल्कुल ठीक थे आपकी स्ट्रेटजी पूरी से परफेक्ट थी शेन कहता है मेरे सवाल को चलो मत ये मत सोचिए कि आप मेरी तारीफ कर कर मेरे साल से बच जाएगी अच्छी तरह से उस वीडियो को आपसे स्कैन कीजिए और फिर मुझे बताइए घोड़ेसा डस्टिस कहती है ठीक है मैंने दोबारा से स्कैन किया है अब मुझे यहाँ पर दो कमें दिखाई दे रही है अगर आप इन दो स्ट्रेटेजीज की जगह किसी दूसरी दो स्ट्रेटजी को यूज़ करते तो आप उस घोल के ऊपर ज़्यादा बड़ा डैमेज कर सकते थे शेन कहता है बस यही तो मुझे पता था अगर आप थोड़ा जोड़ लगाएगी ढूंढेंगी तो अब कुछ ना कुछ मिल जाएगा अब तक जो एक लाख बार आपने ढूंढा ये सारा ऑटोमेटिक हुआ था और अब जब मैंने कहा तब ढूंढा तब उस टाइम पर आपने थोड़ा ज़्यादा जोर लगाया यही आपको हर बार करना चाहिए ठीक है अब मुझे दिखाइए दोनों स्ट्रेटजीज कौन सी है जिसके अंदर मुझे बदलाव करना चाहिए था वैसे अभी आप मुझे पहले ही बताइए बादशाह कंट्री के अंदर जितने भी लोग थे उनमें से कितना ऊपर बचाया जा चुका है गॉडेस ऑफ कहती है लगभग तेरह हजार लोगों को इतना ही हम बचा पाए हैं शिन कहता है क्यों तेरह हजार वैसे मुझे लगा ही था नंबर लगभग इतना ही होगा जहाँ तक मुझे पता है बादशाह कंट्री के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं आपने तेरह हजार बचा लिया है यानी बाकी के जितने भी है वो सारे सारे जोम्बे में कन्वर्ट हो चुके हैं और जब हमारी जोम्बिस से फाइट हो रही थी तब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था उस जगह के सारे लोग जोम्बे में कन्वर्ट हुए हैं क्योंकि उस जगह पर काफ़ी कम जोम्बिस दिखाई दे रहे थे इससे ये बात पता चलती है कि वह घोल किस तरह से इतना पावरफुल हुआ है उसने उन सारे जोम्बिस को मार दिया है और उन्हीं की मदद से ख़ुद की पावर को इंक्रीज़ किया है गॉड्स ऑफ जस्टिस कहती है नहीं ऐसा नहीं है उन्होंने उन जोम्बिस को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे खुद की पावर को इंक्रीज़ करना था बल्कि इसलिए मारा है क्योंकि उसे उन जोम्बिस को मारने में मजा आ रहा था जितना हमने चेक किया है उस हिसाब से हमें पता पड़ा है वो घोल किसी भी जोम्बी को पावर के लिए नहीं अपने मजे के लिए मार रहा है ये सुनकुशैन कहता है ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है गोडेस ऑफ जस्टिस कहती है ये घोल ही है जिनकी वजह से हम बादशाह कंट्री के ज्यादा लोगों को नहीं बचा पाए क्योंकि जिन भी मैक रोबोट्स को हमने वहाँ पर लोगों को बचाने के लिए भेजा उनके ऊपर इस घोल ने अटैक कर दिया इसी वजह से बचाव वो काम इस कंट्री के अंदर ठीक तरह से नहीं हो पाया शेन और आपस में बात कर रहे होते हैं तभी पीछे है। है? वो, वो मार्शल आर्ट का सोल्जर जिसे ने था, आ जाता है और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है थैंक यू फॉर वॉचिंग हो सकता है ये वाला एपिसोड कब जद छोटा हो क्योंकि आज होली है यहाँ पे चारों तरफ कब छोर है इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ अगर इस वीडियो के अंदर बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा शो सुनाई दिए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना नाउ आप सभी को हैप्पी होली यहीं पर इस एपिसोड को ख़त्म कर देते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग